लैंग्वेज इन्वायरमेंट इन द अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे लैंग्वेज इन्वायरमेंट इन अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन के बारे में आपसे डिस्कस करना है सो लैंगज इन्वायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स आर सेटिंग इन विच लैंगज लर्निंग टेक्स प्लेस याद रखें किसी भी इन्वायरमेंट के दो कम्पोनेट्स होते हैं एक फ़िज़िकल कम्पोनेंट है यानी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है फिजिकल और दूसरा ये है कि कौन सी एक्टिविटीज़ कौन से टीचिंग मेथड्स या कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेटिंग द लैंग्वेज इन्वायरमेंट इंक्लूड्स इसमें शामिल है फिज़िकल इन्वायरमेंट और सोशल इंटरेक्शन जो क्लास का सोशल इंटरेक्शन है यानी टीचर टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स के साथ तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं एंड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल यूज टू सपोर्ट लैंग्वेज डिवेलपमेंट तो तदरीसी मवाद जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट uh, करता है आ रिच लैंगव इन्वायरमेंट इस क्रूशल फॉर चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम टू लिसन एंड यूज़ लैंग्वेज इन मीनिंगफुल वेज तो एक बामानी अंदाज में पहले ज़ुबान को सुनना अल्फाज को सुनना और फिर उनको इस्तेमाल करना सो आ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट कैन हेल्प चिल्ड्रन डेवलप विकैबलरी इससे बच्चों की विकैबलरी डेवलप हो सकती है उनको उनको सेंटेंस बनाना आ सकते हैं ग्रामर और सेंटेक्स वगैरह और अदर लैंग्वेज स्किल्स जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से नसेसरी हैं वो बच्चे उसमें से सीख सकते हैं और जो लैंग्वेज का बड़ा मकसद है कम्युनिकेशन ए वो सीख सकें टू क्रिएट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनटीज़ फॉर चिल्ड्रन टू उनको इंगेज करने के लिए इन कन्वर्सेशन्स टू प्ले विद देअर पियर्स अपने साथियों के साथ खेलने के हवाले से फिर रीड बुक्स एंड इंटरेक्ट विद वाइटी ऑफ मटीरियल तो वो बहुत से मसला कुछ स्टोरी बुक्स हो सकती हैं या कुछ और इस तरह की चीज़ें जिनको पिक्चर्स हो सकती हैं वो इंटरेक्ट करें उनके साथ और रिसोर्स जो दूसरे रिसोर्स हैं जिनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रमोट करें क्रिएटिंग लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट के हवाले से आपको क्या करना है फ़िज़िकल इन्वायरमेंट शुड भी अरेंज अ वे कि आप वहाँ क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर या फ़िज़िकल इन्वायरमेंट या फ़िज़िकल मटीरियल आप इस तरह वहाँ ऑर्गनाइज करें कि वो बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग को सपोर्ट करें और विद लैंग्वेज रिच मटीरियल्स मसन लिसनिंग के लिए उनके पास साउंड सिस्टम हो या कुछ इस तरह की दूसरी एक्टिव स्पीकिंग के हवाले से उनके पास स्पीकरस हों माइक्रोफोन्स हों या इस तरह की चीज़ें और जो इजीली एक्सेसिबल हों बच्चों के लिए जिनकी मदद मतलब से वो बच्चे लैंग्वेज सीख सके यूजिंग विजुअल स्पोर्ट्स तो विजुअल स्पोर्ट्स को कैसे यूज़ करना है विजुअल स्पोर्ट्स से मुराद ये नज़र आने वाली चीज़ें और ऑडियो से मुराद जो लिसनिंग वाली हैं तो विजुअल स्पोर्ट्स अचेस पोस्टर्स चार्ट एंड पिक्चर्स कैन इन्हांस लैंग्वेज लर्निंग वो लैंग्वेज लर्निंग को इनहेंस कर सकती हैं बाय प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद विजुअल क्यूज तो देखने जाने वाले इशारे एंड एड्स टू अंडरस्टैंड न्यू वैकबलरी और नए जखीरे अल्फाज को समझने के लिए और कॉन्सैप्ट को समझने के लिए जो मुआान होंगी और अर्ली चाइल्ड एजुकेटर्स शुड इनकॉर्पोरेट विजुअल सपोर्ट इन टू द लैंग्वेज इन्वायरमेंट तो लैंग्वेज इन्वामेंट में उनको सपोर्ट करना चाहिए टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट तो उनकी इससे लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी और उनको मदद मिलेगी फोस्टरिंग सोशल इंट्रैक्शन सोशल इंटरेक्शन जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि किस तरह ग्रुप्स की शक्ल में क्लास में बच्चे काम कर रहे हैं और याद रखें ये जिक्सा टेक्निक्स होती हैं कोलैबोरेटिव टेक्निक्स होती हैं जिसमें बच्चे तमाम ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उन पर एक दूसरे की लर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो सोशल इंटरेक्शन प्लेज अ करूशल रोल इन लैंग्वेज लर्निंग अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद एडल्ट अ पॉजिटिव वे यानी एडल्ट्स के साथ और बच्चों के साथ वैसे भी माहरीन कहते हैं कि जब आप लैंग्वेज खास तौर पर स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले छोटे बच्चों के साथ या अपने से छोटे जो होते हैं उनके साथ बात करें फिर अपने पीयर्स के साथ और फिर एडल्ट्स के साथ तो दिस अचीव थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़ गेम्स एंड डिस्कशंस डेट प्रोमोट लैंग्वेज यूज़ एंड कम्युनिकेशन एनकरजिंग लैंग्वेज यूज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो आ, आ, टीचर है उसको बच्चों को बहुत ज़्यादा इंक्रेज करना चाहिए कैसे उनको एक्टिविटीज प्रोवाइड करें लेट से उनको आ, एक एक्टिविटीज़ क्लास में इस तरह के आ, एक चाइल्ड ख़ुद एक्सप्लेन करें या वो डायलॉग की शक्ल में बोलें या और कोई अथेंटिक वे से वो बच्चे बातचीत करें या वो मैथंटिक मटेरियल यूज़ करें सो दे कैन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर थाट्स व अपने ख्याल को इजहार का इजहार करने के लिए वो लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स और आस क्वेश्चन एंगेज इन डिस्कशन सवाल कर सकते हैं और आ, बहस मुबास में मसरूफ हो सकते हैं एजुकेटर्स मॉडल अप्रोप्रियट लैंग्वेज माहरी को आ, जो है वो मॉडल उनके तौर पर उनको क्लासरूम में इस्तेमाल करना चाहिए लैंग्वेज के हवाले से और बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करना चाहिए उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए सो यूजिंग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का इम्पॉर्ट दिन बदिन इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और इसके इस्तेमाल से लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से बहुत पेशरफ्त हो चुकी है दुनिया भर में तो टेक्नोलॉजी कैन बी अ वैल्यूएबल टूल फॉर प्रमोटिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सकता है तो एजुकेशकेटर्स कैन यूज़ डिजिटल रिसोर्स सच एज एजुकेशनल सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं मल्टी मीडिया मटीरियल्स चूँकि वो चीज़ों को बड़ा करके प्रोजेक्ट करके बताती हैं और टू सप्लीमेंट द ट्रेडिशनल टीचिंग मैथड्स तो जो रवायती मसला अब लैक्चर मैथड है एक रवायती तरीक़ाकार है तो अब आप उसमें दूसरी एक्टिविटीज़ शामिल करके मल्टी मीडिया और आ, क्वेश्चन आंसर डिमॉन्सट्रेशन ये सब चीज़ें शामिल करके आप उसकी इफादियत को बढ़ा सकते हैं और लैंग्वेज लर्निंग ऑपरचुनिटीज़ भी बढ़ा सकते हैं इस तस्वीर में आपको टीचिंग एड्स डिफरेंट सिखाई जा रहे हैं बताए जा रहे हैं जैसे स्लाइड्स हैं फिल्म स्ट्रिप्स हैं मॉडल्स हैं स्पेसमेंट्स हैं ग्राफ्स एंड चार्ट्स हैं पिक्टोरियल मटेरियल्स है ग्लोब्स एंड मैप्स है डायग्राम्स हैं टाइमलाइन चार्ट्स हैं टेबल्स हैं तो ये इससे ये है कि आप लैंग्वेज को बेहतर अंदाज़ में सीख सकते हैं और ये चीज़ें कंक्रीट होकर आपके सामने आ जाती हैं मॉनिटरिंग प्रोग्रेस अब याद रखें कि जब भी कोई आप कोई टीचर सिखा रहा हो क्लास में जब तक मॉनिटरिंग ना हो तो आपकी जो लर्निंग है वो डी ट्रैक होने का खदशा है सो फाइनली अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स शुड मोनीटर चिल्ड्रंस लैंग्वेज डिवेलपमेंट एंड एडजस्ट द लैंग्वेज इन्वायरमेंट अकॉर्डिंगली तो अपने इन्वायरमेंट को उसके मुताबिक एडजस्ट करें और रेगुलर असेसमेंट एंड एवेलुएशन देखें असेसमेंट फॉर लर्जिंग लर्निंग फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है उस दरमियान में आप टीचिंग के दौरान आप यूज़ करते हैं और उसमें आपने एक्टिविटीज को बच्चों को सिखाते हुए आपने मॉनिटर करना है और वो उनके जो आप लर्नर्स हैं उनकी जो डेफिशेंसीज हैं उनको इन एरिया में इम्प्रूव करना है और एड एंड मॉडिफाई द लैंग्वेज इन्वामेंट